एक ऐसा शिव मंदिर जहां 5000 साल से आज भी बाणासुर की बेटी करती है शिवलिंग की पूजा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने पुराणों और ग्रंथों में बाणासुर के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उससे जुड़ी एक बेहद दिलचस्प बात बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आज हम आपको वीडियो में ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आज भी बाणासुर की बेटी करती है शिवलिंग की पूजा। दोस्तों, कानपुर देहात में रूरा कस्बे के पास एक जैनई गांव है। यहां पर बाणासुर मंदिर बना है। इसी गांव के रहने वाले करीब 70 साल की घनश्याम सिंह के मुताबिक इस मंदिर में एक शिवलिंग रखा हुआ है। इसकी खासियत यह है कि जब भी ये मंदिर खोला जाता है तब शिवलिंग पर फूल चढ़े हुए मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये पूजा कोई और नहीं बल्कि खुद बाणासुर की बेटी उषा करती है। बाणासुर इस शिवलिंग को कैलाश पर्वत से लेकर आया था। बाणासुर अपनी बेटी के साथ राजधानी शोणितपुर में रहता था। उसकी राजधानी इसी के गाँव के पास थी जो आज खंडर में तब्दील हो गई। बाणासुर की बेटी उषा शिवशंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी बेटी भगवान शंकर की पूजा करने के लिए रोजाना कैलाश जाती है, तो उसने शिवलिंग को अपनी राजधानी में लाने की ठान ली। उसने भगवान शंकर की तपस्या की, उनसे वरदान लिया कि वो अपनी राजधानी शोणितपुर में उनके शिवलिंग की स्थापना करना चाहता है। शिवशंकर ने बाणासुर को वरदान दिया कि वो उनकी राजधानी चलने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो जहां इस शिवलिंग को रख देगा वो वहीं स्थापित हो जाएगा। बाणासुर जब शिवलिंग को अपनी राजधानी शोणितपुर के पास लेकर पहुंचा तो अचानक से उसका वजन बढ़ गया। बाणासुर वजन नहीं उठा सका और रास्ते में ही रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इसे बाद में बाणासुर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए धर्म स्टोरीज, जहां आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी सच्ची और अनसुनी कहानियां, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।